अब खबर गुरुग्राम से है, जहां 20 किलोमीटर पीछा करके गौ तस्करों को पकड़ा गया है। टोल बूथ को तस्करों ने उड़ाया और सीसीटीवी कैमरे में भी ये तस्वीरें कैद हुई हैं। गुरुग्राम टास्क फोर्स और गौ रक्षकों ने गौ तस्करों से 32 जिंदा गायों को छुड़ाया है। ट्रक का टायर फटने के बाद ट्रक रोका गया। घामडोस टोल प्लाजा के पास पकड़े गए हैं गौ तस्कर। दो गौ तस्करों से 32 जिंदा गायों को छुड़ाया गया है। बड़ी जानकारी गुरुग्राम से आ रही है, जहां घामडोस टोल प्लाजा के पास गौ तस्करों को पकड़ा गया है। करीब 20 किलोमीटर तक गौ तस्करों का पीछा किया गया है। टोल बूथ को भी तस्करों ने उड़ाया और सीसीटीवी कैमरे में तस्वीरें कैद हुई। गुरुग्राम टास्क फोर्स और गौ रक्षकों ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। दो गौ तस्करों से 32 जिंदा गायों को छुड़ाया गया है। घामडोल टोल प्लाजा के पास पकड़े गए हैं गौ तस्कर। पुर ने बताया था कि एक बंद बॉडी का ट्रक है जिसमें 30-32 गायें भरी हुई हैं और बॉम्बे हाईवे से जाएगा। जो उसकी सूचना को पाकर हम उसके साथ लगे तो गोंडसी टूल टैक्स को तोड़ते हुए 500 मीटर आगे आया और जहाँ जिसको साथियों के साथ इसने काबू किया गया। इस गाड़ी की हमें मुकुर खास से सूचना मिली थी कि ये गाड़ी राजीव चौक और सुभाष चौक से होते हुए मेवात जाएगी गौ तस्करी में, जिसको ये पीछे टूल को भी तोड़ के आई है। इसमें हमने दो तस्करों को काबू किया है और इसमें गौवंश को पूरी तरह से भरा हुआ है, जो कि आजकल इतनी बड़े लेवल पर गौ तस्करी चल रही है। जो दिल्ली बॉम्बे हाईवे बना है इसमें से बहुत तस्करी हो रही है। पिछले दिनों में भी कई गाड़ियां पकड़ी गई हैं और पिछले दिनों में गुड़गांव में भी कई गाड़ियां पकड़ी गई हैं। तो मेरा हमारा सरकार और प्रशासन से यही हो है कि ये जो इतनी गौ तस्करी बढ़ रही है, इन पर रोकथाम लगाई जाए। ऐसे बड़ी बड़ी बंद कंटेनरों में गायों को क्रूरतापूर्वक भरा जाता है और एक तरफ गौ रक्षकों को और बजरंग दल को विलन दिखाया जाता है, आतंकी दिखाया जाता है। तो आप देख लीजिए किस तरीके से ये मेवाती तस्कर गौवंश को भरकर मेवात में कटने के लिए ले जाते हैं। और इसी खबर पे अधिक जानकारी के साथ संवाददाता मोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहित, किस तरह से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, जिस तरह से वीडियो भी हमने देखा कि करीब 20 किलोमीटर तक गौ तस्करों का पीछा किया गया है। जी बिल्कुल, ये घटना कल रात की है और मैं आपको बता दूं कि कई बार ऐसा नहीं है कि गुरुग्राम की सड़कों पर जो है गौ तस्करों ने आतंक मचाया हो। फिर तस्वीरें सामने आई है, साफ तौर पर देखा जा सकता है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस से लेकर द्वार और गुरुग्राम के सभी सड़कों पर जो है दौड़ते नजर आ रहे हैं। 20 किलोमीटर की जो बात की जा रही है, तो एक तस्वीर ऐसी भी है जहां पर घामडोज टोल को तोड़कर निकलता है ट्रक नजर आ रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं गौ रक्षक और पुलिस ने मिलकर के इस दो युवकों को, जो कि गायों को भरकर ले जा रहे थे, इनको गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। इसमें गौ टास्क फोर्स और गुरुग्राम पुलिस के जवान मौजूद रहा। हालांकि बता दूं कि एक टायर पर एक टायर टूटने के बाद ये जो ट्रक है वो दौड़ता नजर आया सड़कों के ऊपर, जो तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं। सबसे बड़ा सवाल इस बात को लेकर ये उठ रहा है कि ये लोग जो है जिस तरीके से गौ तस्करी करते हैं और रात में मौका देकर खाली सड़कों को देखकर गौ तस्करी कर मेवात या फिर अन्य राज्यों में, अन्य प्रदेशों में ले जाने की कोशिश करते हैं गौ वंश को, तो ऐसे में कहीं ना कहीं इन चीजों को लेकर के जो है अहम कदम प्रशासन को उठाने चाहिए। क्योंकि कब तक इस तरीके से जो है गौ रक्षक और गौ तस्कर जो है सड़कों पर दौड़ते रहेंगे, मगर ऐसे में कोई अहम कदम उठाने के बाद ही जो है इस चीज पर नकेल लग पाएगा कि आखिर जो गौ वंश उसे बचाया जा सके। जी जी बिल्कुल मोहित, और गौ तस्करों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उनसे क्या पूछताछ की गई है और क्या कुछ उनसे जानकारी हासिल हो पाई है? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा अगर हम गुरुग्राम पुलिस की बात करें तो ये जो गौ तस्कर थे ये कल रात जब गाय लेकर निकले थे तो गुरुग्राम पुलिस को जानकारी मिली थी कि राई चौक से होते हुए सोना रोड का इस्तेमाल करके लोग मेवात की ओर जाएंगे, और ऐसे में घात लगाए बैठे को रक्षकों ने और गुरुग्राम पुलिस ने इन दोनों को दबोच लिया। जब इनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने साफ तौर पर बताया कि 32 गाय बरकरे मेवात की ओर ले जा रहे थे, जिनको ये अलग अलग इलाकों से जो है लेकर आए थे। हालांकि अंदाजा सीधे तौर पर लगाया जा सकता है कि अगर गाय बरकर ले जा रहे थे तो गायों का क्या इन लोगों को करना था। तो ऐसे में फिलहाल जो है आगामी कार्रवाई गुरुग्राम पुलिस द्वारा की जा रही है और पता लगाया जा रहा है कि आखिर इस 32 गायों की तस्करी के अंदर किस बड़े चेहरे का हाथ है। जी जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मोहित तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।